तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है। अन्ना हजारे दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे, किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन करेंगे अन्ना हजारे। आपको बता दें, अन्ना हजारे ने पहले भी कहा था कि सरकार किसानों की बात सुने वरना वो आंदोलन को मजबूर होंगे। उनका समर्थन किसानों के साथ है और उस दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमें ये पूरी उम्मीद है कि अन्ना आंदोलन पर नहीं उतरेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अन्ना हजारे दिल्ली में आंदोलन शुरू करेंगे। ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है, किसानों के मसले को लेकर के ही यह आंदोलन शुरू होगा। अन्ना हजारे इस आंदोलन का हिस्सा होंगे, किसानों के समर्थन में आंदोलन करते नजर आएंगे अन्ना हजारे। तो इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। किसानों के आंदोलन का 34वां दिन है आज, यानी कि दूसरा महीना शुरू हो चुका है। किसानों के साथ सुलह की कवायद तेज हो चुकी है और कवायद कैसी ये देखिए। 29 दिसंबर को किसान कहते हैं हम 11 बजे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि बातचीत के लिए आप समय और दिन बताइए, हम बातचीत को तैयार हैं। तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कल नहीं परसों करते हैं बैठा। सरकार किसानों के बीच सातवें दौर की यह बातचीत है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मौजूद रहेंगे। अब यह सात दौर की जो बातचीत है इसमें यह समझ लीजिए एक दौर की बातचीत अनौपचारिक रही थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। तो प्रवीण धनकड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीकरी बॉर्डर से प्रवीण जुड़े हैं और भगत हमारे साथ पलवल से मौजूद रहेंगे। सबसे पहले टीकरी बॉर्डर यानी कि जो है यहाँ पर हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ अपडेट आप महसूस कर पा रहे हैं टीकरी बॉर्डर पर? टीकरी बॉर्डर पर किसानों के हौसले आज भी उतने ही बुलंद है और किसान लंबे संघर्ष का जो इरादा लेकर आया था आज भी उस पर अटल है। किसानों को यहाँ पर किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो रही, लगातार दिन भर धरना दिया जाता है, उसके बाद वापस अपने ट्रोलियों में आते हैं। इसके अलावा किसानों के खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं हैं। किसानों के लिए मेरे पीछे आप तस्वीर देखिएगा, किसानों के लिए सत्य नाम है लाइब्रेरी खुल गई है, एग्जीबिशन सेंटर खुला है। यहाँ पर पंजाबी हिंदी और इंग्लिश में किताबें हैं जिसको देखने के लिए पढ़ने के लिए बच्चे भी आते हैं। पीछे एग्जीबिशन लगे हुए जो भटिंडा के आर्टिस्ट उन्होंने एग्जीबिशन के जरिए चित्रों के जरिए जो किसान यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर लगातार आवाज उठा रहे हैं वही चित्रों के माध्यम से दिखाई है। ये जो पुस्तकें हैं ये भी डोनेट की गई है और कुछ खरीद कर लेके आई गई है और पीछे जो आप चित्र देख रहे हैं वो चित्र भी डोनेट किए गए हैं ताकि उनके जरिए जागरूक किया जा सके और किसान ये समझ सके या सरकार भी ये समझ सके कि जो किसान है वो पढ़े लिखे कौम है और पढ़े लिखे किसान है। किसान इस समय तीनों कृषि कानूनों का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो समझकर और पढ़ लिख कर आए हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं जो इस एग्जीबिशन और लाइब्रेरी से जुड़े हैं, सीधा उनसे बात कर लेते हैं कि आज कल सरकार से बातचीत भी होनी है, क्या लगता है कि बातचीत सिरे चढ़ पाएगी? देखो जी, उसको मान लेनी चाहिए मुद्दे को, बातें अभी तो आपने देखा होगा सारा आंदोलन में घूमते बच्चे भी जाते यहाँ पर आ गए हैं तो, लेकिन वो इतनी जिद करके बैठा है पता नहीं क्या बात है क्यों नहीं वापस ले रहा। जिद पर तो किसान भी है, नहीं उनकी जिद जायज है बिल्कुल, जब वो बोल ही रही है कि बिल वापस लो हम जाए, सीधा सी बात है। आपने ये जो लाइब्रेरी शुरू की है एग्जीबिशन सेंटर शुरू किया इसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, इसे पता आपको लाखों नौजवान जहां आंदोलन में जुड़े हुए हैं, कॉलेजों से यूनिवर्सिटी से आए हैं, जब वो धरने पे जाते हैं वापस आते हैं तो उनके फ्री टाइम के लिए जो बुक्स रखी हुई है अपनी चॉइस से बुक्स ले जाते हैं, बच्चे भी आते हैं तो उनका टाइम पास हो जाता है कि जो नौजवान गलत जगह पे ना जाए। नौजवानों को जो उनका मोटिव है उस मोटिव से भटकने न दे इसी का मकसद पूरा करने के लिए लाइब्रेरी शुरू की गई है। कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी एक पुस्तक ली है, इस पंजाबी में है ये पुस्तक, के बच्चे से ही जानेंगे कौन सी पुस्तक है और आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। पुस्तक का नाम भी भगत सिंह है, मेरा नाम जसप्रीत है और मैं यूपी फाजिल का पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं ली है, मैंने इस पुस्तक में भगत सिंह के बारे में लिखा है, शहीद आजम भगत सिंह का नाम जाना जाता है।
फाजिल्का। तो यहाँ पर आप क्या करने आए हैं, किसके साथ आए हैं, क्या कहने के लिए? मैं अपने फादर के साथ यहाँ पर आया हूँ। मैं ये तीन कृषि कानून जो कि मोदी सरकार ने लागू किए हैं, जो कि किसानों के हित में नहीं है, ये काले कानून मोदी सरकार को वापस लेने चाहिए। पूजा, बच्चे भी अब अपने माता पिता के साथ इस आंदोलन में सहभागी बन गए हैं। बच्चे भी सरकार से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून आज भले ही सरकार इनको किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसानों को ये एहसास हो चुका है कि धीरे धीरे ही सही MSP और मंडियां इन कानूनों के जरिए खत्म होंगी। इसलिए जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे या सरकार से कितनी ही दूर की बातचीत हो, किसान अपनी मांग पर अड़िग रहेंगे और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो इन सड़कों पर डटे रहेंगे। ठीक है प्रवीण, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन पलवल से हमारे संवाददाता भगत मौजूद है हमारे साथ में। भगत, क्या कुछ अपडेट है पलवल से, कैसी हलचल? क्योंकि जिस दौरान जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, किसानों का जत्था दिल्ली की सीमाओं की तरफ कूच कर रहा है, पलवल में कैसे हालात है? यहाँ पर अगर देखें तो 27 दिन से जो किसानों पर है और लगातार जो 9वें दिन भी आज भूख हड़ताल, 14 जो किसान है वो प्रतिदिन यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। कल देर शाम को भी यहाँ पर जो 4 बार के सांसद रहे हैं फरीदाबाद, 3 बार फरीदाबाद से और 1 बार मेरठ से, और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश के मीरपुर से विधायक है अवतार सिंह भड़ाना, उन्होंने यहाँ पहुंचकर एक आंदोलन को और तेज गति दी। उन्होंने कहा कि वो केवल ना विधायक पद से इस्तीफा दे बल्कि किसी भी कुर्बानी के लिए किसानों के लिए तैयार है, और वो किसानों अपने हजारों समर्थकों के साथ कल यहाँ पर किसानों को समर्थन देने के लिए आए, जिससे भी किसान आंदोलन को यहाँ पर बल मिला है। वहीं 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जिंदार की अध्यक्षता में भी कल हजारों लोगों ने यहाँ पहुंचकर एक बहुत बड़ी जो किसानों को ताकत दी, जिससे कि जो ये आंदोलन है और जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ठीक है भगत, ऐसा देखने को मिल रहा है तमाम क्षेत्रों में कि जो किसान दिल्ली की सीमा की तरफ कूच कर रहे हैं, महकमे के तमाम अधिकारी उनके साथ समझाइश की भी एक कोशिश कर रहे हैं। क्या पलवल में भी ऐसा ही कोई प्रयास नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, प्रशासन और जो स्थानीय नेता है वो भी लगातार गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क कर रहे हैं कि जल्दी सरकार, जैसे कि आज एक बार वार्ता का दौर था कि आज वार्ता होगी लेकिन अब कल का समय दिया गया है, तो उम्मीद है कि शायद जो किसानों के नेता हैं शिव कुमार कसका जी, उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से वार्ता का किसानों ने वार्ता के लिए तैयार हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई सरकार भी किसानों की बात को मानेगी और किसान और सरकार किसानों की जो मांगे हैं उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, तो निश्चित तौर से कोई ना कोई रास्ता इसमें निकले और ये समस्या का हल हो, ताकि लंबे समय से इस कड़कती ठंड में जिस प्रकार किसान नेशनल हाईवे पर चारों तरफ बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, तो वो आगे अपनी जो समस्या समाप्त होगी तो अपने घरों को वापस लौटे। ठीक है भगत, क्या ऐसे में आपने किसानों से बातचीत करी है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? अगर कल हम मान लें कि टेबल टॉक होती भी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो किसानों का यही कहना है कि जब तक अगर उनकी मांगे जो रखी गई हैं उनको नहीं माना जाता है, तो निश्चित तौर पर जो सरकार के साथ जो वार्ता है अगर वो सफल नहीं होती है, तो वो आगे का जो अपने आंदोलन है उसको और तेज करें। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ भगत। हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, चलिए उनसे हमारा फिलहाल संपर्क टूट गया है भगत, लेकिन क्या तमाम किसानों की तरफ से टोल फ्री अभी तक करवाए गए हैं? हरियाणा के तमाम जो टोल हैं वो अनिश्चित काल के लिए फ्री करवा दिए गए हैं, लेकिन आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या रास्तों को बंद करेंगे और किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल, जिस तरह से अब किसानों के लिए कल का वार्ता का समय दिया गया है, वहीं किसानों ने भी एक विशाल AGP और जो नेशनल KMP नेशनल हाईवे है उस पर ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया है, और इस आंदोलन को और तेज गति देने के लिए रेल लाइन रोकने का भी किसानों का जो ऐलान किसान कर चुके हैं कि यदि सरकार इस 7वें दौर की वार्ता में भी कोई इस समस्या का समाधान नहीं निकालती है तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन और तेज होकर जो आगे सरकार को इसको खामियाजा जो नुकसान काफी भुगतना पड़ेगा, इसके लिए भी किसानों ने पूरी तैयारी की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भगत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए। तो सरकार ने अब 30 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। सरकार और किसानों के साथ हुई अब तक बैठकों में क्या कुछ हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालेंगे। अब तक क्या कुछ हुआ समझिए। 14 अक्टूबर 2020 कृषि सचिव और किसानों के बीच बातचीत हुई जो कि बेनतीजा रही है। 7 नवंबर 2020 सरकार और किसानों में 7 घंटे बातचीत चली, बेनतीजा। तो वहीं
1 दिसंबर 2020 सरकार और किसानों की 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही है। 3 दिसंबर 2020 सरकार और किसानों में 7 घंटे फिर बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा रही। 5 दिसंबर को भी बातचीत होती है सरकार और किसानों के बीच में, 4 घंटे बातचीत चलती है, काफी ज्यादा गतिरोध देखने को मिलता है, बेनतीजा रहती है। 8 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री के साथ अनौपचारिक बैठक, बेनतीजा। अब 9 दिसंबर को बैठक नहीं हो पाई थी। तो इस बीच वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आप।